मीडिया को, पब्लिक को, ये सोसाइटी को कि मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व है। वो सब लोग मुझे सिर्फ वकील की नजर से देखते, नहीं यार वो हो गया, जज कहा अंदर करो। अगर वो लोग धरने पर बैठते ना तो इस बात का असर पड़ता है जजेस के फैसले पर, उन पर इफेक्ट होता है। ये जो बेल मिली है ना आपके दोनों बच्चों को, वो नहीं मिलती। और अगर पता चल जाता सोसाइटी को, मीडिया को, ये पब्लिक को, तो क्या कहते पता? अरे वकील का बेटा है, हैं? ये इसलिए केस लड़ रहा है। और ये यही चीज अगर केस के बाद पता चलती लोगों को, तो ये कहते कि ये तो उसका बाप है, वकील कहते हैं। रोक, हाँ ये सर, ये सर पे हाथ रखिए, ताकि हम अलग एक मूवमेंट करेंगे ये, या रोलिंग रोलिंग वकील के एक्शन। और अगर ये चीज बाद में पता चलती कि मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व है, तो कहते हैं कि ये शरीर तो उसका बाप है, वकील कहते हैं। क्या ठीक है, बोलो सर, बोलो क्या वकील या तेल लेने के बाद पॉज दीजिएगा, रोलिंग एंड एक्शन। अगर ये बात बाद में पता चलती लोगों को कि मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व था, तो वो कहते हैं कि अरे ये झगड़ी तो उसका बाप है, वकील भैया क्या लगा था। कंटिन्यू सर। वही हमें लग रहा था कि आप लवकुश के केस में इतना इंटरेस्टेड थे। नायर आपके पास आइए, केस लेकर उस पर एक्शन। वही हमें लग रहा था कि आप लवकुश के केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। नायर आपके पास ये केस लेकर आई, उससे पहले ही आपको इस केस के बारे में सारी डिटेल्स पता थी। अब तो ये इतना बड़ा केस है नहीं कि मीडिया ने की डिटेल्स। वही हम सोच रहे थे कि लवकुश के केस में आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। नायर आपके पास ये केस लेकर आई, उससे पहले ही आपको इस केस के सारी डिटेल्स पता थी। अभी केस इतना तो बड़ा है नहीं कि मीडिया ने एक एक डिटेल रिपोर्ट की हो, तो फिर आपको कैसे पता चला? मीडिया से याद आया, हमारे पास कुछ है आप सबको दिखाने के लिए, थैंक्स टू सोशल मीडिया। जानते हैं इसे आप, लवकुश का दोस्त अभिषेक जवेरी, मिस्टर शक्तिमान जवेरी का बेटा। आगे जिसके गले में वो लॉकेट था, जिससे बिल्कुल मिलता जुलता लॉकेट निकल गया, उस साइड का निकल जाओ। ओके कट। आंखें खुल गई। आंखें खुल गई। हमें भी यही लग रहा था कि लवकुश के केस में आप इतने इंटरेस्टेड क्यों, जब ना केस के बारे में सारे डिटेल्स बताते। अभी केस इतना तो बड़ा था नहीं कि मीडिया ने एक एक डिटेल कवर की हो, फिर आपको कैसे पता चला? मीडिया से याद आया। अच्छा। सर, एक्शन। वही हमें लग रहा था कि लवकुश के केस में आप इतने इंटरेस्टेड क्यों, जब नायरा आपके पास
واپس آئیے کیس لے کر، اس سے پہلے ہی آپ کو ساری ڈیٹیلز بتا دوں ابھی۔ یہ میرا اور پہچان رہے آپ لوگ اسے؟ لبکش کے دوست ہے ابھیشیک، ابھیشیک جاویری، مسٹر شکتیمان جاویری کا بیٹا۔ یہ ہے ابھیشیک جاویری، مسٹر شکتیمان جاویری کا بیٹا۔ جو آپ نے بھی کہا پارس، بالکل ویسے ہی ہوا۔
You say. I have not said anything. हाँ ये एक थोड़ा सा पाला पाला बदला क्या बोलता है पाला पाला बदला पाला बदला पाला बदला पलट गए पाला ओके ठीक है ठीक है जो जो भी है वो थोड़ा सा उल्टा हो चुका है जो सोचा था तो उस वक्त तो कार्तिक नायर के साथ नहीं थे वो अब भी उनके भाई के साथ ही थे पर जब उन्हें पता चलता है कि उनके अपने बेटे जो है वो काफ़ी बिगड़ रहे हैं इस बात से नॉट जस्ट फॉर हिज ओन सन ओके हाँ ठीक है उनके अपने भी बेटे बिगड़ रहे हैं बट वी गिविंग आउट अ रॉन्ग मैसेज टू एवरी वन टू एवरी किड आउट देयर टू एवरी पेरेंट आउट देयर और एक गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है क्योंकि हम लवकुश को एक छोटी सज़ा दे के छोड़ने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भाई का प्यार तो है भाइयों के लिए गिल्ड भी है कि भाइयों के बचपन हमारे वजह से ख़राब हुआ था तो वो सारी चीज़ें तो है लेकिन सेंडिंग आउट अ रॉन्ग मैसेज टू एवरी वन तो वो कहीं ना कहीं कार्तिक समझते हैं और जब वो केस चल रहा होता है तो वो खुद भागते हुए पहुँचते हैं केस कोर्ट में और जब कोर्ट में पहुँचते हैं तो बाजी पूरी पलट चुकी है जो लॉयर से नायरा ने बात की थी वो अब हमारे मिस्टर गोयंका हमारे फादर मनीष गोयंका के साइड में आ चुके हैं और वो लवकुश के लिए लड़ रहे हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पता चलती है कि अच्छा सब लोग नायरा के अगेंस्ट हो चुके हैं तो वहाँ कार्तिक नायरा के लिए खड़े हो जाते हैं नायरा के साथ खड़े होते हैं और वहाँ से वो लोग डिसाइड करते हैं कि दे विल फाइंड आउट व्हाई डिड दिस हैपन ये जो लॉयर साहब है इन्होंने ऐसा क्यों किया तो जहाँ सारी डिटेल्स पता चलती है तो वो फिर फैमिली के सामने आते हैं अच्छा इनका खुद का बेटा इन्वॉल्व है जवेरी साहब का इसीलिए शायद इतनी जल्दी पाला बदल दिया इसी वजह से शायद नायरा को धोखे में रखा इनका कुछ करेंगे आप या नहीं करेंगे ऐसे वकीलों का तो कुछ जेन्युइनली करना चाहिए कार्तिक को यस हिज ओन सन वाज इन्वॉल्व जो ये वकील साहब हैं इनके ही बेटे अभिषेक है जहाँ अभिषेक लवकुश की बात हो रही थी तो हमें ऐसा लगता है कि शायद अभिषेक को उन्होंने US भेज दिया है फॉरेन भेज दिया हो और उन्हें बचा लिया हो तो हम काफ़ी भड़कते हैं सबके सामने पुलिस केस करते हैं पुलिस को यहाँ घर लाते हैं और इन्हें पुलिस के हवाले करने ही वाले होते हैं कि अभिषेक घर में आ जाते हैं और पता चलता है कि वो कभी कहीं गए नहीं थे वो यहीं पर थे इंडिया में और बाजी फिर से पलट जाती है अच्छा ये जो वकील हैं आपसे और नायरा से दो कदम आगे चल रहे हैं फिलहाल जो आप सोच रहे हैं उससे दो कदम आगे चल रहे हैं तो ऐसे वकील का मुकाबला कैसे करेंगे कार्तिक और नायरा सच्चाई से ही उनके साथ सच है उनका दे हैव देयर फेथ दे नो के जो हुआ है वो गलत हुआ है और इंसाफ होना थोड़ा ज़रूरी भी है इस वक्त क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में एंड वी आर सेटिंग आउट रॉन्ग एग्जांपल्स फॉर एवरीवन फॉर एवरी जनरेशन आउट देयर तो हर एक को समझाना बहुत ज़रूरी है चाहे वो बड़े हो दादी हो फादर हो या बच्चे हो तो ये इस वक्त सबको समझाना ज़रूरी है तो यस दे हैव ट्रूथ विद देम एंड ट्रूथ शैल प्रिवेल परिवार पूरा दो हिस्सों में बट गया है एक तरफ अब आप और नायरा हैं पहले तो नायरा अकेली थी अब आप भी नायरा के साथ हैं और एक तरफ पूरा परिवार है जो लवकुश को सजा देना चाहते हैं बट वैसी नहीं जैसी आप और नायरा चाहते हैं सो इस बिखरे परिवार को अब एक कैसे करेंगे कार्तिक और नायरा बिकॉज सबका साथ ज़रूरी है इस चीज़ में सबका साथ सबका विकास और दैट इज इम्पोर्टेंट दैट द एंटायर फैमिली कम्स टुगेदर तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट बट एट दिस मोमेंट फैमिली को साथ लाने से ज़्यादा उनका ध्यान इसी पे है कि लव कुछ को सज़ा मिले और जो सच है वो बाहर एनीथिंग एल्स थैंक यू थैंक गॉड यू डिडंट टेक आउट द फोन कुछ तो प्रेरित ऐसे नहीं 20 साल से जीत रहा हूं
क्लोज जा होल्ड कर प्रमोद एक्शन नहीं कायर अगर गलती करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट भी मिलती है आज नहीं तो कल इसलिए बेहतर है बेटा कि हम गलत काम ही ना करें और करें तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना समझे आप एक्शन नहीं कायर अगर गलती करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट भी मिलती है आज नहीं तो कल इसलिए बेहतर है बेटा कि हम गलत काम ही ना करें और अगर करें तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना समझे आप आने ही वाला था उसने खुद ही मुझे बता दिया था कि वो लोग लवकुश के साथ में 26 जनवरी के केस में तो बड़ा ही मिस्टेक है जितना कि पब्लिक को पता चल जाता कि जवेरी का बेटा भी इसमें इन्वॉल्व है तो लघु बताता कि अपने बेटे को बचाने के लिए जवेरी साथ में लोग क्या लवकुश का तो पता है आपको मीडिया सोशल मीडिया का बेटा उसको वकील कम बार बार ज्यादा देखते बाकी जो नियत में कोर्ट है तो मैं यहाँ पे उसको बुलाता ही नहीं मैं उसको अकाउंट रखता सोशल मीडिया में देखिए बोल रहा है ऐसा समझ जाते मेरे बात तो सही है जवेरी हमें और मैं कह देता हूँ अभिषेक मेरा एक इकलौता बेटा है अगर किसी ने उसको कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा उसके पूरे खानदान को अदालत में इतने चक्कर लगाऊंगा इतने केसेस लगाऊंगा ना जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाएगा वो और दूसरा मनीष क्लोज हो रहा है चलेगी को देखिए वही एंजल खड़ा हुआ हो चलता हूं मनीष भाई देखिए कोर्ट का मैटर जहां तक दोनों का संबंध होगा अपने घर का मैटर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक लोग टूवर्स काटे मेरा सोलना चार्कर यू नो व्हाट ही सेइंग वेयर ही सेइंग कि बोलूं देयर टाइम तो रेखा उससे मैं देख रही हूं काटे मेरा को इनको वजह से सब पंगा हो रहा है चार्कर को रेखा में चार्कर ईश्वर को ना एंड नमस्ते किया सबको नमस्ते किया चले अभिषेक निकले वो लोग वहां से आप नीचे चले निकले यहाँ रुका बैठे कह रहे पास आके कुछ तो भी बोल रहे हो पता नहीं क्या बोल रहा है कुछ तो कहा चले गए वो दरवाजे से बाहर चले गए वो लोग एंड स्वर्णा मनीष जी की तरफ देख वकील हो लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कानून का ज्ञान आप सब लोगों से साबित कर सकता ये जो कुछ भी मैंने किया वो तीनों बच्चों के भविष्य के लिए
बच्चों को बचाने की। पब्लिक को पता चल, अगर पब्लिक को ये पता चल जाता कि मेरा बेटा अभिषेक इसमें इन्वॉल्व है तो वो लोग ठीक है कि वकील का बेटा है इसलिए वकील ये केस कर रहा है। अभिषेक के साथ साथ आपके बेटे भी जेल में होते हैं, क्या है ना कि देश में एक्शन। और अभिषेक के साथ साथ दोनों बेटे भी आज जेल में सड़ रहे हो। देखिए कोई बात, इस देश में निठल्ले लोगों की कोई कमी नहीं, ये मीडिया और खास कर ये आंदोलन करने वाले अभी तक मोमबत्तियां लेके आंदोलन कर रहे हो। इन दोनों को जेल में भरो, इन दोनों को जेल में डालो, जेल में डालो। अब तक मोमबत्तियां लेके निकल चुके हो, धरने पर बैठ जाते हैं, धरने पर। ये दोनों को हम जेल में अंदर डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। देखिए इन सारी बातों का मीडिया का इस फैसले पर बहुत इफेक्ट होता है, जिस पर असर पड़ता है। ये जो बेल मिली है ना आज दोनों को, वो नहीं मिली होती। मान लो कि ये पता होगा पब्लिक को, मेरी आपको सोसाइटी को कि मेरा बेटा अभिषेक इसमें इन्वॉल्व है, तो वो लोग मुझे वकील की नजर से देखते। और अगर यही बात देश के बाद पता चले तो कहते कि बाप है, वकील बैठते हैं लेने। बाकी जो नियत में खोट वकील झूठ नहीं बोल रहा थी इससे कैमरा कौन लगा है। अगर मेरे बेटे को बचाना होता उसका एक भी सूचक कम तब तक हाँ उसका नाम अगर मेरे बेटे को बचाना ही होता ना तो सोशल मीडिया पर उसका एक अकाउंट उसका नामो निशान तक ऐसे लगातार 20 सालों से अभिषेक मेरा एक लौता बेटा, उसको अगर किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो चलता हूं मनीष भाई, खड़े हो गए
शहर के बेस्ट लॉयर हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कार्तिक भैया। पीछे एक्शन। मन कठिन है मनोज जी, इधर देखिए। अरे इधर देखिए मनोज जी, मनोज जी टर्न टर्न कीजिए सर। उधर रेडी बढ़ो आप गलत आदमी से उलझ रहे हैं नायरा जी। मेरे जैसा वकील इस शहर में ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। अभिषेक मेरा बेटा, ये बात मैं आप लोगों को बताने ही वाला था। उसने खुद मुझसे कहा था तो वो लवकुश के साथ था 26 जनवरी, और इस केस में भी उसका उतना ही मिस्टेक है जितना कि आप दोनों इन दोनों बेटे। बेटा ये बात आप लोगों को मैं बताने ही वाला था। उसने खुद ही मुझसे कहा था कि वो भी लवकुश के साथ था 26 जनवरी को, और इस केस में उसका उतना ही मिस्टेक है जितना इन दोनों का। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि इस बात को मैं आपसे छुपाने वाला था। वकील हूँ, लोगों को आप लोगों से बेटर समझता हूँ। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये सब मैंने इन तीनों बच्चों की भलाई के लिए किया था। पब्लिक को पता चल जाता कि जावेरी का बेटा भी इसमें इन्वॉल्व है तो सबको लगता अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ लड़ रहा जावेरी, और अभिषेक के साथ साथ तुम्हारे छोकरे को भी जेल हो जाती। अरे पीछे कौन खड़ा है? ओए बबलू, तुम्हारे छोकरे को भी जेल हो जाती। बाकी जो नियत में खोट होती तो अभिषेक को मैं यहाँ क्यों बुलाता? ऐसा तो है नहीं कि आपके बेटे बहू ने बताया और मैंने से फोन करके यहाँ बुला लिया। उल्टा उल्टा गेंद पलटी मार रहा भाई।
अच्छा आगे कार्तिक जल्दी क्या लेना एक्शन अभिषेक मेरा इकलौता बेटा सर बोल अभिषेक मेरा इकलौता बेटा है उसको अगर किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो उसके पूरे खानदान को अदालत में घसीट लूंगा और ऐसे ही और ऐसे से इल्जाम लगाऊंगा कि जिंदगी भर केस लड़ते लड़ते रह जाएंगे मर भी जाएंगे ना तो जेल से बाहर नहीं आएंगे बता रहा हूं आप सबको चलता हूं मनीष भाई वो बस एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं वो क्या है ना कि कोर्ट की लड़ाई तो मैं देख लूंगा पर आपके घर की लड़ाई तो आपको सुलझानी पड़ेगी ना तो प्लीज सॉर्ट दैट मैटर फर्स्ट चल अभिषेक एक्शन गए आप लोगों ने पापा को देखा क्या बोलेंगे पापा चल के आगे आए पुलिस वाले के पास आप लोगों ने सब कुछ सुन लिया ना अब आप लोग भी जाइए लव कुश को जज साहब ने खुद बेल ग्रांट किया अब आप उन्हें कहीं नहीं लेके जा सकते आप लोगों से लुक एक्सचेंज हुआ नोट के इंस्पेक्टर ने चला गया पापा को गुस्से में कार्तिक नायरा ने उनके गालों पे कॉल खाली कर दिया और कोई आ रहा उनके चेहरों पे खाली कर दिया नहीं तो थोड़ा सा आवे हो रहा है लुक देखा कार्तिक नायरा ने बच्चों पे कालिक कर दिया पहले से बच्चों के गॉड अगे कंडे हो कार्तिक बोला आप लोगों को अपने तरीके से प्यार दिखाना और हमें अपने हमारा भी फर्ज है और हम निभा रहे हैं लव कुश के लिए पर कुछ सही तरीके है कुछ गलत मैं कहती तो आप सबको यकीन नहीं होता पर हम आज भी उन दोनों से उतना ही प्यार करते हैं जितना हमेशा करते थे और इसलिए हमें गलत रास्ते पर जाने के लिए रोक रहे थे इस केस में अब लव कुश के भाई भाभी उनके लिए उनके खिलाफ है और एक दूसरे के साथ होल चार्ज कब हो गया मौत हो फिर भी खुशी मना रहे हैं पर वो भी ढोल बजा के मैंने कहा ना नायरा सबके अपने अपने तरीके हैं मन को तसल्ली देने के इन्हें अपने तरीके से आया हमें अपने तरीके से दी वैसे आप लोगों ने सिर्फ बधाई दी है पर हम तो गिफ्ट भी लाए इनके लिए वो देखिए उधर बच्चे घर के हमें पकड़ने आए शायद बोले
कार्तिक ने बोला रिलैक्स लवकुश, तुम्हें लेने नहीं आया, तुम्हें तो बेल मिल गई है ना। हाँ, इसलिए आपने स्मार्ट किल निकलवा दिया, पर अब भैया वहां से बोला वकील मैं हूं, आप लोग नहीं। आपकी कानून की नॉलेज जहां खत्म होती है ना, मेरे कानून की नॉलेज शुरू होती है। मेरा बेटा तो मैंने इसको इसलिए बुलाया, अरे मैं तो कोर्ट में तमाशा बनाता हूँ वही का साहब, लेकिन आपके बहू और बेटे तो घर में ही तमाशा बना देते हैं। अरे ये कोई तरीका होता है बड़े भाई और भाभी का अपने छोटे भाइयों को मुकाला करने का? अभी बाहर का ड्रामा खाली में चल रही है। एक्शन चल के आ गया, बोला आपको मिस्टर जावेरी है ना, मीडिया से याद आया कार्तिक मेरे पास में वही लॉकेट था जो त्रिशा के कपड़ों में मिला था। जिस दिन ये घटिया हरकत हुई थी उस दिन लवकुश के दोनों के नाम के साथ में लिया था और इन्होंने उसे यूएस भेज चुका। कार्तिक बोला करेक्ट नायरा, यूएस भेज दिया था इन्हें। जब समझ आया था कि बकील तो फ्रॉड नहीं, अभी तुम्हें पता था लवकुश ये सब? नहीं नहीं हमें कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता था। अब समझ में आया आप लोग को कि जावेरी साहब के लिए केस इतना इंपॉर्टेंट क्या था? ये ढोल लवकुश के बेल की खुशी में नहीं बज रहे थे बल्कि चलता हुआ है उसका बेटा जिसका बाप। अरे पूरा धुआं ही क्या डोलैंड एक्शन शॉट पैन बोल धीरे धीरे बंद हो गया। कटी तो पीछे वाले बोल इधर और कम करना थोड़ा, सर्व बोल घुमाओ, इधर सर्व बोल घुमाओ। दोनों ने लुक दिया और वो सब बंद हो गया, इधर कायरव को लुक दिया, दोनों के फ्लैशेस से बच्चे गुजार रहे। पीछे हट जाओ, मीटिंग हट जाओ ना सब लोग उधर। और कार्तिक सर का वॉइस ओवर कायरा और बंस के लिए गलत। आप लोगों ने अपने तरीके से प्यार दिखाया और हमने अपने तरीके से फर्ज भी हम सब निभा रहे हैं। प्यार दिखाया और हमारा अपना फर्ज भी हम सब निभा रहे हैं लवकुश के प्रति। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ सही और कुछ गलत। अगर मैं कहती हूं तो आप सबको यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन आज भी हम इन दोनों से उतना ही प्यार करते हैं जितना हमेशा से करते हैं, और इसलिए इन्हें गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देख सकते हम। और इसलिए इन्हें इन्हें गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकते हम। अब इस केस में लवकुश के भाई बाबा उन्हीं के लिए उनके खिलाफ और एक दूसरे के साथ बेल नहीं मिलनी चाहिए थी ये पता है, फिर भी खुशियां मना रहे हैं वो भी ढोल बजा के। पहले कहा ना सबके अपने अपने तरीके मन को बहलाने के, मन को तसल्ली देने के, इन्होंने अपने तरीके से कर लिया, हमने अपने तरीके से, और आप लोगों ने तो सिर्फ बधाई दी, हम तो गिफ्ट भी लाए हैं। वो देखिए उधर चल के अंदर आ रही है।
कुछ पहले सक रख ये पुलिस तुम लोगों को ले जाने नहीं आई। तुम लोग तो अभी अभी बेल पर निकले। पुलिस यहाँ पे किसी और को नहीं है। आपको मिस्टर जावेरी आपको मिस्टर जावेरी अरे कैसी बातें कर रहे हो दिमाग नहीं मिस्टर जावेरी जावेरी एक एक क्लोज ले लो आप लोगों का अपना तरीका है ना प्यार दिखाने का और हमारा अपना फर्ज भी हम सब निभा रहे हैं लव कुश के प्रति फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ सही है और कुछ गलत मैं कहती हूँ तो आप सबको मेरी बात आप लोगों का अपना तरीका प्यार दिखाने का लेकिन सच यही कि आज भी हम इन दोनों से उतना ही प्यार करते जितना हमेशा से करते और इसलिए इन्हें गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकते आज इस केस में लव कुश के भाई भाभी उन्हीं के लिए उनके खिलाफ एक दूसरे के साथ पता है कि बेल नहीं मिलनी चाहिए पर फिर भी खुशी मिलती है वो भी ढोल बजा के मैंने कहा ना मैं सबके अपने अपने तरीके हैं मन को तसल्ली देने इन्होंने अपने तरीके से कर लिया हम अपने तरीके से हाँ आप लोगों ने तो सिर्फ बधाई दी हम तो एक सरप्राइज गिफ्ट भी लाए वो देख ये पुलिस तुम दोनों को लेने नहीं तुम लोग तो अभी अभी बेल से पुलिस यहाँ किसी और को ले रही है ये पुलिस तुम दोनों को लेने नहीं तुम दोनों तो अभी अभी बेल पे निकले पुलिस यहाँ किसी और को ले रही है रोल तो है नहीं आपको मिस्टर जावेरी ये क्या बात कर रहे हो दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा नहीं मिस्टर जावेरी वही हम सोच रहे थे कि लव कुश के केस में आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे नायरा आपके पास ये केस लेकर आई उससे पहले ही आपको इस केस के सारी डिटेल्स पता थी अभी केस इतना तो बड़ा है नहीं कि मीडिया ने एक एक डिटेल रिपोर्ट की हो तो फिर आपको कैसे पता चला मीडिया से याद आया हमारे पास कुछ है आप सबको दिखाने के थैंक्स टू सोशल मीडिया पहचानते हैं इसे आप लोग लवकुश का दोस्त अभिषेक मिस्टर शक्तिमान जवेरी का जिसके गले में वो लॉकेट था जिससे बिल्कुल मिलता जुलता लॉकेट था